नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था मेटलर्जी। तो स्टूडेंट, मेटलर्जी में केवल हमारा एक टॉपिक था जो मैं आपको नहीं बता पाया था। तो आज उस एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज ही हम एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स लेकर आने वाला हूं। तो देखिए, मेटल्स नॉन मेटल्स में हमने फोर मेथड्स को पढ़ लिया था कि हमारे पास ओर है, उसको किस तरीके से प्योरीफाई करना है, किस तरीके से उसको मेटल की ऑक्साइड में बदलना है, कैसे उसका रिडक्शन करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं उसका लास्ट और फिफ्थ स्टेप। तो स्टूडेंट, फिफ्थ स्टेप है हमारा रिफाइनिंग। यानी कि स्टूडेंट, मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास इम्प्योरिटीज आ गई है। यानी कि मेरे पास इम्प्योर मेटल आ चुका है, मेटल मेरे पास आ चुका है। यानी कि अब जो मेरे पास जो मेटल है स्टूडेंट्स, ओके, वो कितना है, 90-95% प्योर है। ओके, जब मेरे पास 90-95% प्योर मेटल आ चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे करना है 99% प्योर, 99.9%। यानी कि 99.9% क्या करना है, मुझे प्योरीफाई करना है मेटल। अब स्टूडेंट, मुझे इतने ज़्यादा प्योर मेटल की क्यों ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में अगर कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो कि किसका है, मेटल का है, अगर आपने वहाँ पे इम्प्योर मेटल को लगा दिया, जो मेटल जो है 90-95% प्योर है, अगर आपने उसको लगा दिया, तो आपका मोबाइल जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर सकता या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे पास जो मेटल है, मुझे उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जो मेरे पास है रिफाइनिंग, यानी कि मेटल को मैं क्या कर रहा हूँ, रिफाइनिंग कर रहा हूँ, उसको और भी ज़्यादा प्योरीफाई करूँगा, वो मैं किस तरीके से करूँगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास क्या है, मेटल है, तो मेटल में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर इम्प्योरिटीज़ हैं वोलेटाइल यानी कि उड़ने वाली इम्प्योरिटीज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेटल को अगर मैं हीट कर दूँ सिंपली, तो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज उसकी उड़ने वाली हैं, मेटल मेरे पास रह जाएगा। बाकी या फिर मेरे पास कोई ऐसा मेटल है जिसको मैं डिस्टिल करके, ओके, डिस्टिल करके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, पानी से और इम्प्योरिटीज से अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसे ही मेथड्स। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, आप सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। स्टूडेंट्स, नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स को हम प्योरीफाई करने वाले हैं, उसको रिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, समझते रहिए, बहुत मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, दो इलेक्ट्रोड्स हैं मेरे पास, ओके स्टूडेंट्स, ये है, इसको मैं मान लेता हूँ एनोड, ओके, और इसको मैं मान लेता हूँ कैथोड। एक को मैंने एनोड मान रखा है, दूसरे को मैंने कैथोड मान रखा है। तो मैं क्या करूँ कि मेरे पास जो मेटल है इम्प्योर मेटल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं रख देता हूँ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास है वो क्या चीज़ है, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, ओके, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट प्योर मेटल। यानी कि प्योर मेटल होगा वो किधर की तरफ होगा, कैथोड पे, जो ये है कैथोड, ओके, और इम्प्योर मेटल होने वाला है मेरा एनोड पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, अब देखिए क्या होगा, ये जो एनोड है ये किससे कनेक्टेड होगा, प्लस, इस पे प्लस होगा, ये कैथोड है ये किससे कनेक्टेड होगा, माइनस। तो स्टूडेंट, ओके, यानी कि एनोड पे मैंने इम्प्योर मेटल लिख दिया, जो कि मुझे फोर्थ वाली स्टेप से आया था, यानी कि जब मैंने रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब मैंने मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया था, मुझे क्या मिल गया था, इम्प्योर मेटल मिल गया था। तो वही मेटल मुझे लेना है कहाँ पे, एनोड पे, इम्प्योर मेटल मैंने ले लिया और यहाँ पे प्योर मेटल मैंने ले लिया कैथोड पे, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे एक चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, ये जो इम्प्योर मेटल है उसी का क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। यानी कि द मेटल, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, द मेटल
फॉर विच वी प्योरीफाई, यानी कि वह मेटल जिसको मैं प्योरीफाई कर रहा हूँ, टेक दैट मेटल सॉल्ट, टेक दैट मेटल सॉल्ट, यानी कि उसी मेटल का आपको क्या लेना है, सॉल्ट लेना है. द मेटल फॉर विच वी प्योरीफाई, यानी कि द मेटल विच वी प्योरीफाई, यानी कि जो मेटल मुझे प्योरीफाई करना है मुझे उसी का क्या लेना पड़ेगा, मेटल का सॉल्ट लेना पड़ेगा स्टूडेंट. तो मेटल का सॉल्ट अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं किसको प्योरीफाई कर रहा हूँ, कॉपर को मैंने मान लिया. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कॉपर है. ओके कॉपर है तो मुझे स्टूडेंट बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, कॉपर का सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर का CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया. ओके यहाँ पे क्या है, इम्प्योर मेटल है. तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि यहाँ पे क्या है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर. ओके तो स्टूडेंट इसको जब मैं क्या कर दूंगा, कनेक्टेड कर दूंगा इस तरीके से. ओके और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है. तो क्या होगा, धीरे धीरे जब मैंने इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, मतलब जब मैं इसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होने वाला है. मैं सबसे पहले आपके लिए एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ क्या होगा. तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है हमारा, एक मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे PaO, ये ट्रिक है, और एक है NCr. P यानी कि पॉजिटिव, ओके पी यानी कि पॉजिटिव, ए यानी कि एनोड, और ओ यानी कि ऑक्सीडेशन. यानी कि स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका जो एनोड है, आपका एनोड कौन सा वाला है, जहां पे आपके पास इम्प्योर मेटल है वहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, लूज होने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे एक और आपके लिए लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे स्टूडेंट, लूज होंगे. ओके यानी कि कॉपर है आपका, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, लूज होने वाले हैं, प्लस टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये मैंने क्या कर दिया, ये जो रिएक्शन होने वाली है किस पे होगी, आपकी एनोड पे. तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होगा, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. इसका मतलब हो गया PaO, पाओ और NCr. अब NCr का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, NCr का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ से रख करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, NCr यानी कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन. ओके स्टूडेंट रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, गेन होने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे मिलेंगे. ओके इस वाले में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गेन होंगे. भाई सीधी बात है, जब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे स्टूडेंट्स क्या होगा, रिडक्शन. तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, मुझे गेन होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन. ओके और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, लूज होंगे. तो देखिए क्या होने वाला है, अब आप समझ लीजिए, मैंने आपको ये सब पूरा क्लियर करा दिया किस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स. होगा क्या कि यहाँ पे ये जो कॉपर है, ये अभी किस पे डिपॉजिट है, एनोड पे, इम्प्योर कॉपर है. तो ये क्या होगा, कॉपर बाहर निकलेगा यहाँ से. ओके जब ये कॉपर बाहर निकलने वाला है तो यहाँ पे क्या बना देगा, Cu2+, और इसकी इम्प्योरिटी स्टूडेंट यहीं रहने वाली है, इसकी इम्प्योरिटी बाहर निकल के नहीं जाने वाली भाई, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉपर है और ये जो सॉल्यूशन है किसका है, कॉपर सल्फेट का. तो बेसिकली केवल क्या बाहर आने वाला है, कॉपर बाहर आने वाला है. तो स्टूडेंट्स कॉपर है, ये जो कॉपर क्या होगा यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन में आने वाला है, और आपके पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, इम्प्योरिटी. देखिए यहाँ पे बचेगी आपकी इम्प्योरिटी. ओके यानी कि जो मेटल है वो क्या आने वाला है, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और इम्प्योरिटी आपकी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे एनोड पे ही रहेगी, डिपॉजिट नहीं होगी, एनोड पे ही रहेगी. और ये क्या है, कॉपर है. तो स्टूडेंट्स कॉपर के पास है प्लस चार्ज और इस पे है माइनस चार्ज, इसका मतलब कॉपर ये जो है कहाँ पे, कैथोड पे जाके इकट्ठा होने लग जाएगा. स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, कॉपर क्या होगा यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, यानी कि यहाँ से कॉपर निकल निकल के सॉल्यूशन में आता रहेगा और कॉपर कैथोड पे जाता रहेगा. इसका मतलब कुछ टाइम के बाद में क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है ये वाली जो रोड है एनोड वाली, ये पतली हो जाएगी और कैथोड की जो ये है क्या है रोड है, वो क्या होने लगेगी, मोटी होने लगेगी. क्योंकि क्या होगा स्टूडेंट्स,
ये जो है कॉपर निकल निकल के कहां पे डिपॉजिट होने लगेगा, कैथोड पे, और इसकी ये जो रॉड को क्या कर देगा, मोटा कर देगा। यानी कि अब आपके पास क्या बचेगा, जो ये वाली रॉड है यहाँ पे क्या इंप्योरिटीज रह जाएंगी, और यहाँ पे आपका प्योर जो कॉपर है वो आपको डिपॉजिट होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा इम्प्योर जो है वो यहीं रहेगा, इंप्योरिटीज यहीं रह जाएंगी एनोड पे और कैथोड पे, पूरा का पूरा जो हमारा मेटल है जो प्योरीफाई 100% हो चुका है वो कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। इसी तरीके से हम और भी मेटल्स को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, ओके, यानी कि मुझे जिंक को करना है तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, जिंक का सल्फेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा या जिंक का एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेना कैसा, एक्वस भाई सॉल्यूशन है तो आपको कैसा लेना पड़ेगा, एक्वस लेना पड़ेगा। ओ तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास मेटल है उसको और भी ज़्यादा प्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में पूरा बता दिया, और हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर था वो आज फिनिश हो चुका है। अगली वाली वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, हाँ मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैं आपके लिए विद कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।